सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को रायपुर के श्याम नगर से पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, ग्रैंड विजन ग्रुप के चेयरमैन गुरुजन सिंह होरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सबको प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए सभी के खुशहाली की कामना की। इसके बाद यह शोभा यात्रा वाहेगुरु के जयकारे के साथ तेलीबांधा गुरुद्वारे कैनाल रोड होते हुए पंडरी गुरुद्वारे पहुंची। इस दौरान पंच प्यारों का और गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने परिजनों के साथ मिलकर स्वागत सत्कार किया। इसके साथ ही प्रसादी वितरित की गई। श्याम नगर गुरुद्वारे से गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जय सिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, ग्रैंड विजन ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्याम नगर गुरुद्वारे से तेलीबांधा गुरुद्वारे होते हुए शोभा यात्रा पंडरी गुरुद्वारा पहुंची। पांच घुड़सवार, पंजाब का पाइप बैंड, दिल्ली की गतका टीम अपने शौर्य का प्रदर्शन कर दे रहे। रास्ते भर पानी के टैंकर और सेवादारों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के रास्तों की सफाई करती रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह यात्रा प्रारंभ की जाती है। प्रतिवर्ष भारत और भारत के बाहर पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प, उनके बहादुर जवानों को बधाइयाँ, ये सब के लिए आज हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं, उनके सामने माथा टेकने आए हैं और हम सब इस यात्रा के आगे आगे दिनों दिन वर्षों वर्षों तक बढ़ती रहे और उनका जो गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश है वो आम जनों तक पहुंचता रहे, इसी प्रार्थना करने के लिए हम आए। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरु नानक नगर गुरु सिंह सभा के द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो यहाँ से प्रारंभ होकर गुरु गोविंद सिंह जो पंडरी गुरुद्वारा वहाँ समापन होगा और भव्य यात्रा निकाली जा रही है और गुरु गोविंद सिंह जी के रास्तों पे चलने का सब लोग प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है। श्याम नगर से निकली जब शोभा यात्रा तेलीबांधा गुरुद्वारे के सामने पहुंची, जहां ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों का स्वागत करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद सभी संगत को प्रसादी फल और खाद्य सामग्री वितरण किया। जब तक शोभा यात्रा गुजरती रही, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। इस मौके पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा समेत सिख जनों ने सबको गुरु पर्व की बधाई दी। इसमें आज नगर कीर्तन जुलूस शोभा यात्रा से निकल रही है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे हमारे प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और ये जो ऐसा है पर्व है कि सारे जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। जगह जगह समाज के लोग, अन्य समाजों के लोगों ने भी लगाया हुआ है स्वागत द्वार, स्वागत कर रहे हैं। दिन भर से सुबह से खाना चल रहा है, रात को पंडरी गुरुद्वारे में इसकी समाप्ति होगी, उसके बाद वहाँ पर कीर्तन होगा, लंगर होगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रायपुर गुरु नानक नगर से एक भव्य शोभा यात्रा में निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश के और देश के सब लोग पहुँच रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सब संगत सारे गुरुद्वारे से एकत्र हुई है। इसमें दिल्ली से आए हुए गतका पार्टी, पंजाब से आए पुलिस बैंड, यहाँ के पुलिस बैंड, सारी व्यवस्था की गई है। हम ग्रैंड चैनल का धन्यवाद करते हैं जिसने ये आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है।